आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है विलोपित कूड़ा स्थल चेतावनी, यहाँ कूड़ा करकट डालना मना है, उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक दंड एवं कारावास की सजा का प्रावधान है। ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि नोएडा के CEO ने आदेश दिया था। और इस तरीके के ये जो विलोपित कूड़ा घर है, यानी कि इस जगह पर पहले कूड़ा हुआ करता था जिसको साफ करके विलोपित कूड़ा घर बनाया गया है, यहाँ पे पौधा लगा करके सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी वैसे ये इसको बने हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कूड़ा है, जानवरों का यहाँ पे अंबार है, कूड़ा में जो भी चीज़ें होती हैं ये जो जानवर हैं ये खाते हैं, गाय हैं, सांड हैं, इस तरीके के जो भी जो खुले पशु हैं वो आकर के इनको खाते हैं। इन सब को नियंत्रण करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने फिर से एक प्रावधान बनाया है, आम जनता से मदद मांगने की कोशिश की है। मदद क्या है तो ये भी जान लीजिए कि मदद मांगने के मतलब ये कि अगर आप इस तरीके का कहीं पब्लिक जगह पर या इस जगह पर सड़क किनारे आप अगर कूड़ा फेंकते हैं तो आपको ये जो लिखा हुआ है आर्थिक दंड एवं कारावास की सजा का प्रावधान है उसको नियम में लाया जाएगा। इसके लिए आम जनता से मदद मांगी गई है कि अगर आपको कहीं पर इस तरह का कूड़ा फेंकते हुए कोई नज़र आता है तो उसका आप वीडियो बना करके, फ़ोटो बना करके आप गूगल टैग के माध्यम से, जियो टैग के माध्यम से आप ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट करने के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। और इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण यह है कि 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण जो है उसमें नोएडा प्राधिकरण चाहता है कि नोएडा को और बेहतर किया जा सके। 2021 वाले जो स्वच्छता सर्वेक्षण था उसमें 4 लाख से 15 लाख की आबादी वाले शहर में नोएडा 4th नंबर पर आया था। उसको बढ़िया और बेहतर करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ये कर रहा है कि शहर में कहीं पर कचरा ना दिखे। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं कचरा, एक तो विलोपित कूड़ा घर था, यहाँ पहले से भी कचरा था जिसको साफ़ किया गया था, लेकिन मजबूरन फिर से दोबारा लोगों ने यहाँ पर डालना शुरू कर दिया है, जिस वजह से ये जानवरों का जमावड़ा यहाँ पर रहता है और साथ ही साथ में यहाँ बदबू और गंदगी का अंबार जो है अब रहता है। नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि आप ट्विटर आईडी पर उनके ट्वीट कर सकते हैं, उनका ट्विटर आईडी है नोएडा अथॉरिटी और इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से और फेसबुक पे भी आप इसी नाम से सर्च करके नोएडा अथॉरिटी को आप टैग करते हुए ये गंदगी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद गंदगी तो साफ होगी ही, साथ ही साथ कार्रवाई भी की जाएगी, इसकी पुष्टि भी की जाएगी। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।